हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रंजीता होम किचन। और आज शेयर करेंगे चिकन की एक बहुत ही क्विक और इजी सी रेसिपी जो बहुत ही आसान है और जिसे बिल्कुल सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हमने बनाया है। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे हल्दी, नमक और 2 चम्मच क्रस्ट जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे, दरदरा पीसा हुआ। हमने 1.5 kg चिकन लिया है। अब इसी टाइम पे हम स्वाद अनुसार लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। अब इन सब को अच्छे से मिला के रख देंगे। अब एक कढ़ाई गर्म करेंगे और उसमें 1.5 चम्मच धनिया, साबुत धनिया और 1 चम्मच जीरा डालेंगे। ब्लैक पेपर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। हल्का सा खुशबू आने तक हम भूनेंगे। अब 1 चम्मच कसूरी मेथी भी हमने डाल दिया है, इसे भी हल्का सा भूनेंगे खुशबू आने तक और इसे हम पीस लेंगे ठंडा होने पे। अब गर्म तेल में हमने खड़े मसाले डाले हैं, तेजपत्ता, लौंग, इलायची, दालचीनी। अब हम डाल देंगे 5 से 6 मीडियम साइज की बारीक कटी हुई प्याज और इनको गुलाबी होने तक हमें मीडियम फ्लेम पे भूनना है प्याज को। हल्का सा गुलाबी हो जाने पे अब हम डाल देंगे मैरिनेटेड चिकन। अब इसे हम अच्छे से मिला के 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे ढक के पकाएंगे। दस से 15 मिनट के बाद हम एक बार इसे चेक करेंगे, चलाएंगे, वाटर रिलीज हो गया होगा। अब हम डाल देंगे 1 मीडियम साइज का टमाटर और इसे मिला के फिर से हम 10 मिनट के लिए ढक देंगे। 10 मिनट के बाद अब हम भुना हुआ अपना मसाला डाल देंगे जो हमने तैयार किया था। 5 से 6 मिनट हम और भूनेंगे। भुना हुआ मसाला था तो बहुत ज्यादा भूनने की जरूरत नहीं है। सारा कुकिंग हमने कवर करके लो फ्लेम पे किया है ताकि मसाले और चिकन अच्छे से भुन जाए, पक भी जाए। मसाला हमारा भुन चुका है और अब हम डाल देंगे गरम पानी। पानी आप अपने जरूरत के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं और इसी जगह पे आप नमक भी एडजस्ट कर ले। मैरिनेशन के वक्त भी हमने नमक डाला था। अब हम डाल देंगे 1 चम्मच गरम मसाला, अच्छे से मिला लेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए हम ढक के और पका लेंगे। 1 से 2 मिनट हमने पका लिया था। अब हम हरे धनिए से गार्निश करेंगे। चिकन हमारा तैयार है। आप इसे रोटी, चावल किसी के भी साथ एंजॉय कर सकते हैं। होप आपको ये रेसिपी पसंद आई हो। मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।